ये तो बहुत तगड़ा मारने आ रहा है क्या भाई मेरे को? नहीं, ओ भाई मार रहा है। अबे यार ये कौन सा बकरा? बड़ा तगड़ा बकरा है यार। ये सोजत का ब्रीडर। सोजत का है ब्रीडर? क्या बात है भाई, देखने से डेंजर लग रहा है। भैया देखो मैं बता दूं, 65 केजी करीब, 65-70 केजी, 65-70 केजी के बीच में इसका वजन है। लाइव वेट 65 देख लीजिए। अगर देखने वाला, दांत ही नहीं इसके तो। वही तो अदन दे, वही तो बोल रहा हूँ। देखने वाला बंदा अगर जो जानकारी है हाँ वो समझ जाएगा, समझ जाएगा। हाँ और भाई इसकी तो दांत ही नहीं है, मतलब ऊपर के दांत नहीं, नीचे दांत है बस। क्या बात है, एक मैं आपको जानकारी देना आवश्यक समझ। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हैं? आपका दोस्त मिस्टर खान, और आज का ब्लॉग मेरा ये कि आप लोगों ने कई बार कमेंट करके कहा था कि अजमेर शहर में बकरा मंडी कहाँ पर है, क्योंकि हम अजमेर में आते हैं और अजमेर की राजस्थानी देसी बकरे लेना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बकरा मंडी जो अजमेर शरीफ दरगाह के करीब है तो वो जाता हूँ और दिखाता हूँ गोट फार्म, तो कैसा क्या माहौल है और कौन कौन से रेट की कौन कौन से बकरे हैं वहाँ पर और क्या क्या है वहाँ पर, बच्चे बड़े सब दिखाता हूँ और क्या आता हूँ। तो फाइनली मैं नेशनल बकरा किंग फार्म पहुंच चुका हूं और जिसके ओनर है हमारे गुरु भाई। तो गुरु भाई आपके पास कौन कौन से बकरे और क्या रेट में पड़ेंगे और कौन कौन सी प्रजाति के बकरे आप बता सकते हैं? देखो भाई मेरे पास राजस्थान ओल्ड ब्रीड में काम है, ट्रेडिंग वर्क है और फार्मिंग भी करता हूं, ट्रेडिंग भी करता हूं। अच्छा, मेरे पास राजस्थान ओल्ड ब्रीड मिल जाती है। जैसे मैं आपको कुछ ब्रीड के नाम शेयर कर देता हूं, सोजत, बिट्टल, तोतापुरी, छोटा, अन्य राजस्थान ओल्ड ब्रीड में काम है मेरा। छोटे किड से लेके बड़ी फीमेल, बड़े मेल सब मिल जाते हैं मेरे पास। ठीक है, तो आइए भाई मैं आपको और मेरे व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ मेरे पास जो भी गोट है अभी, तो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दिखाइए। तो आप लोगों को दिखा देते हैं अब यहाँ पे कौन कौन से नस्ल के कौन से बकरे हैं। और अरे ये तो बहुत तगड़ा मारने आ रहा है क्या भाई मेरे को? नहीं, ओ भाई मार रहा है। अबे यार ये कौन सा बकरा? बड़ा तगड़ा बकरा है यार। ये सोजत का ब्रीडर। सोजत का है वेडर? क्या बात है भाई, देखने से डेंजर लग रहा है। भैया देखो मैं बता दूं, हाँ 65 केजी करीब, 65-70 केजी, 65-70 केजी के बीच में इसका वजन है। 65-70 किलो का है ये। और एक चीज मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पे जो बकरे जो है ना, चाहे बकरे हो चाहे बकरी हो चाहे कोई भी हो, ये किलो के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ पे जो भी मिलेगा वो केजी के हिसाब से मिलेगा आपको। अच्छा, अलग अलग नस्ल की अलग अलग रेट है भाई। मतलब ऐसा नहीं कि अगर दाम लगाओ ले जाओ, ऐसा नहीं, वजन के हिसाब से। ज्यादातर हमारा होलसेल का काम है, ऑर्डर पे माल तैयार किया जाता है और ज्यादा क्वांटिटी में माल दिया। अच्छा होलसेल है, मतलब क्या बात है। तो आपको होलसेल में माल मिलता है यहाँ पर, तो आप यहाँ से खरीद के बेच फरोख भी कर सकते हैं। क्या बात है, तो आप हमारे को मिलवा दो कौन कौन से बकरे, कौन कौन से नस्ल के। मेरे पास जो अवेलेबल बकरे बता दो, मेरे पास गुजरी की फीमेल है, हाँ सिरोही की फीमेल है, बिट्टल की फीमेल है, हाँ और कोटा की फीमेल है और सोजत की फीमेल है। हाँ तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी फीमेल कौन, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये पहले मैं आपको गुजरी की फीमेल दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। ये गुजरी की फीमेल, ये गुजरी की फीमेल है। अच्छा, ये सेकंड टाइम बच्चे देने वाली है। हाँ। और गुजरी फीमेल है और ये 280 280 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। 200 रुपए किलो के हिसाब से, क्या बात है। 280। अच्छा 280 रुपए किलो के हिसाब से, क्या बात है। और अच्छी अच्छी खासी क्वालिटी माल देता हूँ। जो अगर अगर बंदा मेरे को 50 का ऑर्डर देता है, हाँ और तो मैं उसके लिए 80 नंग के करीब लेके आऊंगा, 70-80 नंग लेके आऊंगा। हाँ उसमें सेलेक्ट करके माल ले सके। क्या बात है, मतलब आपको सेलेक्ट करने का भी छूट है, क्या बात है। और ये सेकंड टाइम बच्चा देने वाली है। हाँ और इसके अभी दूध फर्स्ट बार तो इतना हुआ, लेकिन सेकंड टाइम बच्चा देगी। हाँ। तो दो बच्चा देगी कंफर्म है। अच्छा 2 लीटर के करीब इनका दूध होगा। 2 लीटर दूध होता है, क्या बात है। सुबह और शाम का दोनों को मिला के 2 लीटर करो तो बहुत बड़े होगा। 2 लीटर फिक्स नहीं होगा, थोड़ा बहुत दिया तो कम होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं कह सकते। तो मैं अब आपको कोटा नस्ल के बारे में बताता हूँ। हाँ ये कोटा नस्ल। अच्छा ये कोटा नस्ल है, ये कोटा नस्ल, कोटा का मेल होगा ये। हाँ अच्छा ये मेल है। किसी भाई को कोटा का मेल लेना है। हाँ। तो 250 रुपए केजी, 350 रुपए केजी से सेल होगा। अच्छा कोटा का मेल और कोटा की फीमेल 300 रुपए केजी सेल है। अच्छा ये अभी अदंत बच्चा है। हाँ और इसका लाइव वेट है कम से कम 21 केजी 22 केजी करीब इनका लाइव वेट है। अभी जिंदा वजन 21-22 केजी है। अच्छा ये दांत का जो अपन देखते हैं, ये मतलब क्या सिस्टम होता है दांत का? दांत का भैया आप नहीं समझ पाओगे, आप झूठो भरो। ये अदंत देख लीजिए, अगर देखने वाला, दांत ही नहीं इसके तो। वही तो अदंत है, वही तो बोल रहा हूँ। देखने वाला बंदा अगर जो जानकारी है हाँ वो समझ जाएगा, समझ जाएगा। हाँ और भाई इसकी तो दांत ही नहीं है, मतलब ऊपर के दांत नहीं, नीचे दांत है बस। क्या बात है, एक मैं आपको जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ। हाँ हाँ कोटा सिरोही ऐसी नस्ल है जो बहुत तेजी से वेट गेन करती है।
अगर हाँ। अच्छे से डाइट देते हैं ना उसको हाँ। तो प्रति महीने के अंदर 7 kg वजन ग्रोथ कर लेती है। अच्छे से डाइट देते हैं, क्या बात है। मतलब इनको खान पीना अगर अच्छा करते हैं तो ये वजन बहुत तगड़ा हो जाता है और अपने फायदा भी ज्यादा है इसमें। भाई मैं आपको दिखाता हूँ बिट्टल की फीमेल, बिट्टल की फीमेल फर्स्ट टाइम बच्चा देने वाली है। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम बच्चा देने वाली है, क्या मतलब समझा नहीं मैं कुछ। भाई फर्स्ट टाइम देखो बिट्टल की नहीं कह सकता हूँ, सुरोई की बताता हूँ आपको मैं। जैसे फर्स्ट टाइम बच्चा देगी ना तो फर्स्ट टाइम एक ही बच्चा देगी और सेकंड टाइम जो बच्चा देगी तो दो बच्चे देगी। अच्छा, दो बच्चे देने का एक रीजन है, फर्स्ट टाइम बकरी के आंचल और बच्चेदानी छोटे रहते हैं। अच्छा, सेकंड टाइम बकरी का आंचल और बच्चेदानी दोनों बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो दो बच्चे कंफर्म देती है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, इसकी मैं कह नहीं सकता दो बच्चे देगी तीन बच्चे देगी, क्योंकि बिट्टल कंफर्म नहीं है कि एक बच्चा देगी दो बच्चे देगी। बोलिए, ये बिट्टल इसकी मैं पहचान बताता हूँ। बिट्टल आती है ब्लैक, हाँ। कलर तो बिट्टल में कोई सा भी आ जाता है, इसकी ये आइस देखो, इसकी आग व्हाइट आती है। अच्छा, तो ये सारे बकरियों को बकरी पहचान होती है अलग अलग सबकी। बता दूंगा अभी सबकी आपको। अच्छा, क्या क्या पहचान है। जैसे ये बिट्टल है, इसका वजन आएगा 45 kg, 45 kg करीब इसका वजन है। अच्छा, अगर कोई भाई लेना चाहता है 350 rupees kg से बिट्टल की फीमेल, 400-400 rupees kg से बिट्टल का मेल में सेल करता हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादातर मेरे होलसेल में काम है। अच्छा 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 भाई, अब मैं आपको और मेरे पास देखो जो भी क्वालिटी है गुजरी की फीमेल की दिखा देता हूँ। हाँ, गुजरी दिखा दो, फीमेल दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये गुजरी की फीमेल है, गुजरी की फीमेल है। अच्छा, इसकी कैसे पहचान पता चलेगी गुजरी की फीमेल है। गुजरी की फीमेल की ये पहचान है, देखो भाई व्हाइट मुंह, हाँ व्हाइट मुंह और आधा सिरोही कलर रहता है। अच्छा, आधा सिरोही कलर, व्हाइट मुंह, व्हाइट पैर, ये गुजरी की पहचान है। ये गुजरी की पहचान है। अच्छा अच्छा, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अभी माल है। और इसका मतलब क्या बताया आपने, कितने रुपए किलो इसका? 280 rupees kg बताया। ये भी अच्छा, ठीक है। और जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कैसे कांटेक्ट करेंगे? अगर मेरा कांटेक्ट है तो आप नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा मैं, नंबर बोल दीजिए एक बार आप। 6376 11185, ठीक है। और ये एरिया कैसे पड़ेगा, लोग जो आना चाहेंगे आपके पास? देखो मेरे पास अगर कोई आना चाहता है हाँ, तो अजमेर आइए, अजमेर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड आ जाइए। हाँ, बस स्टैंड आने या रेलवे स्टेशन आने के बाद मेरे को कॉल कर सकते हैं। हाँ, मेरी गाड़ी लेके उनको वहाँ से पिकअप कर लूँगा। पिकअप कर लेंगे, क्या बात है। ये बहुत बड़ी सुविधा है आप लोगों के लिए, जो इंसान बकरियां या बकरे लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, थैंक यू। कौन सा बकरा था ये बताया आपने? सोजत बकरा। भाई देखो इनके बराबर का एक, कितना हाइट क्या होगा इसका लंबाई? 45 फुट। तो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे हर तरह के बकरे बकरियाँ हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे बकरा बकरियाँ, जो भी आप लेना चाहते हैं तो वो भाई के नंबर मैंने स्क्रीन पे दिए, उन भाई को कॉल कर सकते हो आप लोग। और ये अजमेर में जो लोग बकरे पालने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और जो लोग, तो वो लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और दूसरी बात, कैसी आप लोगों को, किस टॉपिक की वीडियो आप लोगों को मुझसे चाहिए, उसी टॉपिक की वीडियो के लिए मुझे कमेंट करा करें, ताकि मैं आप लोगों तक उसी टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करोगे तभी मैं जानूंगा, फिर आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा। आई ना कर रहा इसमें गंदा। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी बकरी बकरे हैं। और गाइस मैंने जैसे कि अक्सर कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कैमरा लाना है, तो कैमरा लाने में आप लोगों की हेल्प चाहिए, तो मुझे कैमरा लाने में हेल्प करें। जो भी आप लोगों से इमदाद हो, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बैंक अकाउंट, जैसे भी हो, तो मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं कैमरा लाने में, ताकि और भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँ।